team! ये है 80 से 90 डिग्री तक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव व्यू। यहाँ से क्लियरली पता चलता है कि जितना ज़्यादा आप डिग्री बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपको व्यू मिलेगा। हाँ, लेकिन आपका स्क्रीन साइज सेम ही रहेगा। आई मीन ऑब्वियसली थर्ड पर्सन कैमरा व्यू को बढ़ाने से थोड़ी ना स्क्रीन साइज बढ़ जाएगा, बट हैज़ द बेस्ट पार्ट। पबजी मोबाइल इनिशियली 9th फरवरी 2018 को रिलीज हुआ था, राइट? और उस टाइम पे जो हमारे स्मार्टफोन्स के एवरेज डिस्प्ले साइज होता था वो 5.5 इंचेस हुआ करता था। तो डिस्प्ले छोटा होने की वजह से थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव व्यू 80 में बेस्ट था, लेकिन अब डिस्प्ले बहुत बड़े हो चुके हैं, जैसे 6.7 इंचेस। तो अभी आपके पास तीन ऑप्शंस है, या तो आप कम व्यू से यानी 80 डिग्री से सारी चीज़ों को बड़ा बड़ा देख सकते हो, या फिर ज़्यादा व्यू यानी 90 डिग्री रख के सारी चीज़ों को छोटा लेकिन ज़्यादा व्यू से देख सकते हो, या फिर आप एडाप्टिवली अपने डिस्प्ले साइज के हिसाब से पर्सपेक्टिव व्यू को सेट कर सकते हो, जैसे जितना बड़ा डिस्प्ले उतना ज़्यादा डिग्री सेट कर सकते हो। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि जब हम स्कोप को यूज़ करते हैं तब उसमें भी व्यू में डिफरेंस होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब चाहे कितना भी पर्सपेक्टिव व्यू को सेट क्यों ना कर लो, स्कोप या फिर आयरन साइट यूज़ करते टाइम व्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। स्कोप में जितना दिखता है उतना ही दिखेगा। प्रैक्टिकली देखो, अगर स्कोप के अंदर आपको देखना है तो आपको आपकी एक आंख को स्कोप के पास लेके ही देखना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप दूर से ही स्कोप के अंदर से देख लो, और इसीलिए ही इसका नाम थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव व्यू है। अब इन दो वीडियो को अच्छे से देखो, पहले में 80 डिग्री सेट है और दूसरे में 90 डिग्री सेट है। 80 डिग्री में सब चीज़ें बड़ा और कम व्यू होने की वजह से एनिमी के मूवमेंट्स और जिगल थोड़ा ज़्यादा रहेगा, यानी आपको आपके क्रॉसहेयर को थोड़ा ज़्यादा मूव करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ 90 डिग्री जहाँ पे हमें ज़्यादा व्यू मिलता है और जो एनिमी के मूवमेंट और जिगल होता है वो स्लो और कम डिस्टेंस में कवर हो जाता है, यानी आपको आपके क्रॉसहेयर को थोड़ा कम मूव करना पड़ेगा। लेकिन 80 डिग्री में एनिमी के मूवमेंट्स ज़्यादा होने के साथ साथ वो बड़ा भी दिखता है, जिसे ट्रैक करना आसान होता है, और इसीलिए 80 डिग्री पर्सपेक्टिव व्यू में थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिविटी रखना पड़ेगा और 90 डिग्री में सेंसिटिविटी को थोड़ा कम करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि 80 ही बेस्ट है या फिर 90 ही बेस्ट है, दोनों में कुछ कमियां हैं और कुछ अच्छी बात भी है। अब देखो, अगर आपका 90 डिग्री सेट है और आपके एनिमी का 80 डिग्री सेट है तो कुछ एंगल्स में आप आपके एनिमी को पहले स्पॉट कर पाओगे, लेकिन आपको अपने क्रॉसहेयर को मास्टर करना पड़ेगा, और उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं जंप एंड प्रॉन शॉट्स के बारे में। देखो, जब हम जंप करते हैं तब बुलेट स्पीड बढ़ जाता है और प्रॉन के टाइम आपका मूवमेंट स्लो हो जाता है। 80 में एनिमी की मूवमेंट भी थोड़ा फास्ट दिखता है, इसीलिए इन दो सिचुएशन में 90 डिग्री बहुत काम आता है, जैसे आपको ज़्यादा व्यू और एनिमी की मूवमेंट स्लो दिखता है और तब एनिमी को ट्रास करना बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन क्लासिक मैचेस में आपको थर्ड पर्सन 90 डिग्री की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप जंप और प्रॉन शॉट्स के लिए इंस्टेंटली FPP में स्विच कर सकते हो, जिससे आपको ज़्यादा व्यू और ट्रासिंग में आसानी हो। मैं 80 को प्रीफर करता हूँ और आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप 80 ही यूज़ करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 80 अच्छा है, 90 भी अच्छा है, बस थोड़ा उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग 90 डिग्री आने से पहले 4 साल से 80 पे ही खेल रहे हैं। मैं अगर कोई भी पॉइंट मिस कर दिया हो या फिर आपका कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट कर देना, और अगर आप अपना क्लिप मुझे भेजना चाहते हो तो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे भेज सकते हो। मैं हूँ अभिषेक और मैं मिलता हूँ आपको अगले वाले वीडियो में। तब तक आप चाहो तो क्लोज रेंज ड्रिल्स की वीडियो देख सकते हो या फिर हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सेलरेशन की वीडियो।